नंबर प्लेट नहीं है तो भाई देखो दिल्ली जैसी जगह में चोरी होने का ज़्यादा खतरा होता है। हेलो पुजू जी, आप परेशान करते हो, वीडियो नहीं बनाने देते हमारे को। क्या चीज़ है, वॉशिंग मशीन का करंट आ जाएगा तो? करंट नहीं आएगा, ये क्या है, कुछ चीज़ है यहाँ पे। चलो अंदर, चलो चलो अंदर, चलो, यस गुड बॉय, चलो अंदर चलो। तो गाइस ये अभी नहीं चलना सीख रहा है, एक साल का पूरा हो गया देखो, बट अभी बैलेंस ना बना नहीं पाता, देखो कोशिश करता है। तो चलते हैं, बाय बाय कर दो मीमू, बाय। ये इलेक्ट्रिक होगी ये। अरे चलो तो सही, इलेक्ट्रिक है भाई ये, भी तो देखना है जरा, साइड खड़ी करो। तो भाई एक नई चीज़ दिखी है तो हमने बोला आप लोगों को भी दिखा दें भाई। ये भाई ए बना हुआ है एटम, एटम की भाई इलेक्ट्रिक बाइक है। और टायर देखो, ऑफ रोडिंग वाले टायर दे रखे हैं, वो भी भाई दिल्ली के साथ। दिखने में तो भाई भाई सही लग रही है, क्या बात है। और मीटर भी दे रखा है इसमें, पूछियो कितने की है, पूछ लेना। एक बाइक है और भाई टायर ना ऑफ रोडिंग है, लगने को स्पोक व्हील लगा हुआ है, बट भाई ऐसा लगता है जैसे कि ये वो होगा, क्या कहते हैं, ट्यूबलेस, मतलब ट्यूब वाला टायर होगा, बट ट्यूब वाला नहीं है भाई, ये ट्यूबलेस टायर है आगे पीछे दोनों ही, और काफ़ी मोटे दे रखे हैं। और मे बी इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इंडियन मेड बनी हुई है। और इस जो स्पीड है ना, इसकी स्पीड भाई ये बता रहे हैं कि 40 तक जाती है, और 100-120 तक की इसकी एक यूनिट में रेंज है इसकी जाने की। तो लाइट कुछ इस तरीके से LED दे रखी है आगे, 16 LED दे रखी है, LED इंडिकेटर दे रखे हैं। तो भाई जहाँ पर बैटरी की बात आ जाती है वहाँ तो ये होना ही होना है। और चाबी का देखो लॉक यहाँ पर दे रखा है हैंडल पे, लाइक जैसे अपना 42 में है ना नीचे, उसी हिसाब से दे रखा है हैंडल लॉक। हॉर्न लगा हुआ है, सीट पतली सी सीट है खाली, पीछे बम टिकाने के लिए, और एक बंदा और सेम इंडिकेटर पीछे से ऐसे मरगार्ड भी दे रखा है। और भाई टेस्ट ड्राइव लेते हैं, देखते हैं चलाते हैं। मैंने अभी तक इलेक्ट्रिक बाइक चलाई नहीं है और मैं वैसे ही फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ। अच्छा भाई, इसमें पहले आपको बता दूँ, टेम्परेचर दिखा रहा है, 36 डिग्री टेम्परेचर है, वोल्टेज दिखा रहा है, और भाई ये 45.9 वोल्ट दिखा रहा है, किलोमीटर दिखा रहा है 0-0-0, और मोड 1 वोल्ट 2 भी कुछ होगा इसमें मे भी। तो ये 45 वोल्ट दिखा रहा है किलोमीटर का। इसमें किलोमीटर का कैसे पता चलेगा, इसमें किलोमीटर कितने चलेगी, कहाँ लिखा हुआ है, किलोमीटर इसमें नहीं आता अभी। अच्छा इसमें नहीं आता है, तो इसमें कैसे पता चलेगा कि जैसे ये 45 वोल्ट लिखा हुआ है तो ये कितनी तक जाएगी, एक अंदाजन कैसे रहेगा हमारे को? ये आपकी है कम से कम हाफ है चार्ज। अच्छा तो कम से कम ये 60 लग जाएगी इसमें। अच्छा मतलब ये आधी आधी चली जाएगी, कहने का मतलब ये। अच्छा टोटल कितने किलोमीटर, हमने इस पे पुल पे लेके चले थे 70-80 किलोमीटर चलाए थे। अच्छा तो हमारी हाफ के करीब आ गई थी, मतलब दो आ गई थी। हाँ मतलब की ये 100-120 अराउंड जाती जाती है। ओके प्रॉपर हमने एक बार चला भी रखी है, तो 13.6 के लिए। ये हॉर्न का है, ये आपका हॉर्न है। हाँ है। अच्छा लाइट का आगे का फ्रंट का, ये लेफ्ट इंडिकेटर वगैरह है, ये ब्रेक है दोनों के दोनों, ये रेस है। और ये 01 क्या है, ये क्या है कि आपकी ये गाड़ी ऑफ हो गई तो से। अच्छा इस टाइम ऑफ कर दिया, स्टार्टिंग वगैरह के लिए है या क्या, इस समय गाड़ी ठीक है। अब वहाँ से इसकी लाइट बंद वहीं से ही होगी अपना, मतलब इसी से, नहीं 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 ये लाइट नहीं आया, मतलब मोनीटर बंद यहीं से होगा, चाबी से ही होगा। ओके सारी कंट्रोलिंग इसकी आपकी चाबी पे है। तो भाई स्टैंड तो काफी टाइट है भाई, टाइट है ये, यूज नहीं हुआ है ना अभी। तो गाइस देखते हैं इसको ट्राई करके आते हैं। तो गाइस एक दो चीज़ें और बता दूं भाई, इसमें हेलमेट भी अलाउड नहीं है, मतलब हेलमेट कंपलसरी नहीं है इस पे, इस बाइक पे। और स्पीड भाई इसमें अभी
20 की दिखा रहा है, काफ़ी अच्छी चल रही है और पोस्चर भी वैसे सही है यार। नॉर्मली लोकल में यूज़ के लिए ठीक है, हैंडल अपने अपने जावा जैसे स्ट्रेट है भाई बिल्कुल, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ब्रेक भाई, ब्रेक भी सही है यार, ब्रेक भी सही लग रही है 20 की स्पीड में। क्या बात है, तो अब यहीं से वापस लेते हैं और वहाँ से घूम के जाएंगे। तो भाई अराउंड 120 किलोमीटर चल जाती है ठीक है, पर इसमें लिखा हुआ खाली वोल्टेज का था, कितना वोल्टेज बढ़ा हुआ है, तो अगर ये हाफ होगी। ओहो हो, बस आ गई, बस आ गई, निकालो निकालो निकालो। और शॉकर भी भाई साइकिलिंग साइकिल वाले जैसे आते थे ना भाई, उस टाइप के शॉकर है, तो मेरे हिसाब से ना ये इंडिया में बनी हुई है। और आगे पीछे दोनों में डिस्क दे रखी है, जिसकी वजह से भाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ये गाड़ी। और अभी स्पीड देख लेते हैं, 22 जा रही है, इन्होंने अभी सेट कर रखी है ये 22-23, मतलब 25 से ऊपर नहीं जाएगी जिस हिसाब से ये बता रहे हैं। और मोड 1 मोड 2 तो मेरे को पता नहीं, और वैसे यार ज़्यादा इसको चलाने मतलब ज़्यादा स्पीड में भी ये इतनी कैपेबल लग नहीं रही कि है। काफ़ी अच्छी चल रही है, लुक वाइज काफ़ी अच्छी है, लोग बाग का इंट्रैक्शन हो रहा है, लोग बाग देख रहे हैं इधर उधर से कि हाँ भाई कौन सी बाइक चला रहे हैं क्या है। तो आगे जैसे जो सा कट मिलता है वापसी चलते हैं। थोड़ा सा हमको कुछ डिफरेंट लगा, डिफरेंट सी चीज़ लगी, तो हमने लोग दिखा रहे थे, भैया भी देखते जा रहे हैं साथ में, तो हमने दिखा रहे ऐसा लग रहा था कि टैंक बनाया हुआ है जैसे कि फ्यूल वगैरह का होता है, बट भाई ये टैंक नहीं है, ये अपना बैटरी की लिथियम बैटरी है इसके अंदर। अपने को आदत है ना नीचे मैं ब्रेक मार रहा हूँ, अब हम यहीं से वापसी लेंगे। मस्त है भाई, एक नंबर। ओ क्या बात है, मतलब जो जो चीज़ें नहीं आती जाएंगी ना आपको कोशिश करेंगे दिखाने की। और भाई हर एक बंदा देख रहा है इसको कि क्या चीज़ चला रहा बंदा। और हॉर्न भी है, मस्त है भाई, हॉर्न भी मतलब सही बज रहा है। और स्पीड भी मतलब सेट करके अगर 40 तक जाएगी काफ़ी सफिशियंट है इस बाइक के हिसाब से, और क्योंकि भाई जिस हिसाब से इसका मॉडल बना रखा है ना, तो 40 स्पीड बहुत बढ़िया है लोकली चलाने के लिए। मतलब आने वाला फ्यूचर ये होने वाला है, आप बच्चों को ना साइकिल ना दे के इलेक्ट्रिक साइकिल दिलवा दोगे, क्योंकि आगे फ्यूचर ही ये रहने वाला है। मस्त भाई मस्त, एक नंबर चीज़ है भाई, मस्त चल रही है, मस्त चला ले। बाकी वैसे इतनी ज़्यादा नहीं तेज स्पीड से जाएगी नहीं, 20 से ऊपर नहीं जाएगी। आपका बजट भी तो ज़्यादा है। नहीं नहीं कम कर रखिए ना, ये लो पकड़ो। तो गाइस कुछ इस तरह के दिखेगी ये आपको, ब्लैक कलर है, कलर इसमें अलग अलग भी है, रेड भी है वाइट भी है, तो ये ब्लैक कलर की है। इसमें दोनों में भाई बैटरी रखी हुई है, कुछ इस तरह की इसकी चेसी है नीचे, और शॉकर नॉर्मली जैसे बाइक्स में आते हैं वो लगाए हुए हैं। आगे के शॉकर थोड़े जैसे अपनी शॉकर वाली साइकिल्स वगैरह आती है ना उसमें होते हैं, सेम वैसे लग रहे हैं। इंडियन मेड ने कम से कम कॉस्ट में बनाई गई है गाड़ी, तो काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में। तो गाइस यहाँ से ऑफ ऑन होती है ये, भाई इसका लाइट का बटन है रेड वाला, ग्रीन वाला हॉर्न का बटन है ये, भाई इसमें इंडिकेटर के बटन दे रखे हैं, ये छोटा सा एक कंसोल मीटर है जिसमें हमने आपको चलते चलते बता ही दिया था कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो कुछ इस तरीके की दिखती है भाई ब्लैक में, और पूरी इंडियन मेड है, सबसे बड़ी बात यह है भाई। तो गाइज अगर कोई इंटरेस्टेड हो ना, अपना नजरगढ़ रोड पे है वैसे शोरूम, बट ये शोरूम के कुछ अलग नंबर हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या भैया का कहीं और भी शोरूम है और इसमें TVS का लोगो दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसमें मत जाना। अगर ये बाइक इलेक्ट्रिक परचेज़ करनी है आपने, तो भाई ये नंबर्स दे रखे हैं, इन पर कॉल कर सकते हो, ये भैया मिल जाएंगे आपको और इसके बारे में पूरी डिटेल बता देंगे। आप आके विज़िट करके टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो, उसके बाद आप इसको ले जा सकते हो। और सेकंड थिंग भाई एक चीज़ और है, नंबर प्लेट नहीं है तो भाई देखो दिल्ली जैसी जगह में चोरी होने का ज़्यादा खतरा होता है। तो एक चीज़ और मैंने भैया से पूछी, इसका इंश्योरेंस वगैरह है कि नहीं है, तो भैया ने बताया इसका इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है 80,000 रुपये में, 80,000 के अराउंड ये पड़ेगी आपको, 2-4,000 रुपये ऊपर नीचे हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो 80,000 में आपको पड़ने वाली है।
तो अराउंड, और जिसमें भाई इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है, क्योंकि भाई चोरी होने का सबसे ज़्यादा डर है आपको पता है दिल्ली से जैसे शहर में। तो आप अगर चाहते हैं तो भाई विज़िट कर सकते हैं इस पर।